Hello students, today through this video, I will tell you how to solve the questions which are based on the flow chart specifically in the reading module. So, let us start with the reading test. Initially, we read the title of the passage. Here, the title is Bakelite. After reading the title, what we should do? We should read all the questions of a particular passage first so that we can easily understand the demand of the question and we can get the hint. वट वी हैव टू फाइंड इन द पर्टिकुलर प्लेसेस कि हमें यहाँ से पता लग जाए कि हमें क्या ढूंढना है एक पर्टिकुलर प्लेसेज में सो एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो दैट वी विल फॉलो द स्पेसिफिक टेक्निक एंड द टेक्निक नेम इज़ आर यू पी मैथ इट मीन्स रीड द क्वेश्चन फॉर्स केयरफुल यूज स्ट एंड अंडरलाइन द डिमांड एंड अंडरस्टैंड द अंडरलाइन द डिमांड एंड अंडरस्टैंड द की वर्ड्स एंड देर मीनिंग सो देट वी कैन इजिली गेट द हिंट कि क्या हमें फाइंड आउट करना है देन आफ्टर दैट पी पैसेज रीडिंग करेंगे पहले एक ही uh, पैसेज के सारे क्वेश्चन को रीड करना है पैसेज के क्वेश्चन रीड करने से बेनिफिट ये रहेगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इजिली टाइम मैनेज हो जाएगा तो so, सिमिलरली वही टेक्निक हम इस रीडिंग में भी अपलिकेबल करेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन वन टू थर्टीन कंप्लीट द समरी चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर राइट योर आंसर इन बॉक्सिस वन टू थ्री ऑन योर आंसर शीट सम प्लास्टिक बिहेव इन अमिलर वे टू डैश कुछ प्लास्टिक्स हैं जो सिमिलर वे में बिहेव करते हैं सिमिलर वे में मतलब ढूंढना है हमें कि किसके जैसे बिहेव करते हैं इन दैट दे मेल्ट अंडर हीट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू फॉर्म्स उन्हें हीट के uh, साथ मेल्ट किया जाता है और न्यू फॉर्म्स दी जाती है विद द हेल्प ऑफ मोल्ड बेकलाइट वाज यूनिक बिकॉज़ इट वाज द फर्स्ट मटेरियल टू बोथ एंटायरली इन ओरिजन एंड थर्मोसेटिंग जो बेकलाइट था इसके दो फीचर थे जिसमें दोनों फीचर्स में क्या था कि ये इंटायरली क्या है एक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ढूंढना दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हाँ यहाँ पे क्या हमें दिया गया है थर्मोसेटिंग दिया गया है 19th century, कि कुछ सेवरल रीजन हुए रिसर्च में जो प्लास्टिक्स में अमंग दैट हैं किसके फील्ड में इन फील्ड ऑफ आगे ब्लैक है तो चेक करना है मतलब यहाँ पे कोई डोमेन हो सकता है कोई स्ट्रीम कोई जैसे पर्टिकुलरली कह सकते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे सर्च करना एंड द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव टू नेचुरल रिसोर्सिस लाइक आइवरी देन क्वेश्चन फोर टू एट कंप्लीट द फ्लो चार्ट जैसे कि मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम स्पेसिफिकली कौन से क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व द फ्लो चार्ट इन द रीडिंग चूज वन वर्ड ओनली तो आंसर जो रहेगा वन वर्ड ही होगा हमें पैसेज से सॉल्व करें राइट योर आंसर इन बॉक्स फोर टू एट

एग्जाम्पल जो है कॉटन uh, है एंडसॉर्ट्स हैं ये क्या है ये किसके एग्जाम्पल्स है इट मीनस ये हमें प्रॉपर नाउंड दिए हुए हैं इनके लिए हमें एक कॉमन राउंड ढूंढना है यहाँ पे कैटास्ट है अमोनिया है फॉर्मल डिहाइड है सिक्स डेज पे ये लोग क्या है ये किसके कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं ये लोग यहाँ पे हमें यहाँ पे स्ट्रेच करना है यहाँ पे इसको सर्च करेंगे हम स्टेज टू उसके बाद स्टेज टू स्टार्ट होती है रेजिन है कूल cool होता है हार्डन होता है फिर ब्रेकअप होता है ग्राइंड होता है पाउडर में और फिर बेकलाइट जो आता है उसका क्या है अर्जेक्टिव ढूंढना है कि वो बेकलाइट रेडी है वो कंक्लूडिंग प्रोडक्ट है या फिर वो रॉ प्रोडक्ट है कुछ भी तो अगेन यहाँ पे हमें इसका अर्जेक्टिव सर्च करना है हीट है पोर इन टू द मोल्ड है अप्लाई है इंटेंस हीट पे उसको अप्लाई करेंगे ठीक है देन एंड और साथ में मतलब क्या है एक हीट वाला फंक्शन परफॉर्म करना है उसके ऊपर तो दूसरा फंक्शन हमें क्या परफॉर्म करना है उस चीज को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कूल अनटिल हार्डन अगेन हम इसे तब तक कूल uh, cool करेंगे जब तक ये हार्ड नहीं हो जाता है आफ्टर दैट नाइन टू टेन द बर्थ ऑफ मॉडर्न प्लास्टिक आयल्स रीडिंग चूज करने हमें टू लेटर ए टू ई राइट योर आंसर्स इन टू ऑन योर आंसर शीट एन बी एन बी स्ट फॉर नोट बिफोर यू मे आंसर मे बी योर आंसर्स मे बी गिवन

बेकलाइट वॉज इमीडिएटली वेलकम बेकलाइट को इमीडिएटली वेलकम किया गया था एज अ प्रैक्टिकल एंड वर्साटाइल मटीरियल जो बेकलाइट था वॉज ओनली अवेलेबल इन लिमिटेड रेंज ऑफ कलर ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रेंज ऑफ कलर्स में ही अवेलेबल था सो वी हैव गोन थ्रू विद ऑल द क्वेश्चन लेट स्टार्ट विदेज और सर्च करते हैं कि हमें कौन सा क्वेश्चन पहले मिलता है हमारे जो रीडिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं कि हमें जंबल भी मिल सकते हैं जुड़ेंगे है कि हमें हमारे सारे क्वेश्चन जो है सिक्वेंशली मिलेंगे तो आइए स्टार्ट करते हैं पैसेज रीडिंग के साथ

1907 के दौरान एक लियो बेकलैंड बे, बेल्जियन साइंटिस्ट था जो वर्क करता था न्यूयॉर्क में उसने डिस्कवर किया था और पेटेंट किया था एक रेवोल्यूशनरी न्यू सिंथेटिक मटेरियल को उसने अपनी इन्वेंशन को जो नाम दिया था वो था बेकलाइट ये क्या है अनॉर्मस टेक्नोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसका और जो क्या करता है लॉन्च करता है मॉडर्न प्लास्टिक इंडस्ट्री में आज भी इसको लॉन्च किया जाता है इफेक्टिवली द टर्म प्लास्टिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक प्लेसेंस मीनिंग टू मोल्ड Some plastics are derived from the natural resources and some are semi-synthetic. The result of chemical action on a natural substance and some are entirely synthetic, and that is chemically engineered from the constituents of coal and oil. Some are thermoplastic, which means that, like kindle wicks, they melt when heat and can be reshaped, others are thermosetting, like eggs cannot be reverted into their original vicious state. Their shape is thus fixed forever. the distinction of being the first totally synthetic thermosetting, uh, thermosetting plastic. किस चीज के बारे में देखेंगे कि क्या है ये किस चीज के रिगार्डिंग है कि हम जो बात कर रहे हैं कि ये क्या है विच मीन्स दैट लाइक लाइक मीन्स कि ये सिमिलर होने की बात की है कुछ प्लास्टिक सम आर प्लास्टिक यहाँ पे दो तरह से बता रहे थे एक सेमिसंथेटिक बता रहे थे और दूसरे थर्मो प्लास्टिक बता रहे थे और जो होते हैं. तो, कि like तो, तो किसकी तरह बिहेव करते हैं माई आंसर इज कैंडल वैक्स इट्सू एक्स कैंडल वैक्स अदर जो वो है वो 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 थर्मोसेटिंग है लाइक एग हैं हैं रिवर्ट नहीं नहीं होते अपनी प्रीवियस स्टेट में कभी भी नहीं जा सकते है क्योंकि वो फिक्स रहते हमेशा फर्स्ट है, है, तो हम तो जो मटेरियल है, है इसका ओरिजिन क्या फर्स्ट टोटली सिंथेटिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो यहाँ पे जो आंसर बनता है दैट इज सिंथेटिक क्योंकि के बारे में बात हुई है तो सिंथेटिक इज द सेकेंड आंसर हमारा ये जो ऑप्शन बनता है यहाँ पे सिंथेटिक -E तो यहां से मेरा क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व हो रहा है और यहाँ से मेरा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो रहा है ऐसे सिमिलर वे में हम आगे रीड करते हैं हिस्ट्री ऑफ टूडेज प्लास्टिक मटीरियल इन दाइटीन सेंचुरी द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली प्लास्टिक्स

केमिस्ट्री इट्स एच ई एम आई एस टी आर वाई केमिस्ट्री तो थर्ड आंसर भी सॉल्व हो गया हमने हर एक सेंटेंस का सेंस को इतना डीपली जज नहीं करना है हमें बस कीवर्ड्स का ध्यान रखना है थोड़े से कि यहाँ पे जैसे मैंने मैच कर लिया था कि नाइनटीन सेंचुरी है ग्रेट एडवांसेस के बारे में बात हो रही है ठीक है और यहाँ पे इमेंस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के बारे में बात हो रही है डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है नाइनटीन सेंचुरी के बारे में बात हो रही है तो सिर्फ ये की को ध्यान में रखना है और इन द डोमेन ऑफ है तो यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ पैराफ्रेज पैराफे हुए

combines with an aldehyde, a volatile fluid similar to alcohol. He soon abandoned. Abandoned मतलब त्याग दिया छोड़ देना किसी चीज को तो आज आपने एक न्यू वर्ड लर्न किया है अबंडन गिव अप करना रिनाउंस त्याग देना किसी को छोड़ देना सुन ही अबंडन द सब्जेक्ट हाउ एवर ओनली रिटर्निंग इट टू सम इयर्स लेटर और फिर से उसने वापस ये सब्जेक्ट कुछ इयर्स के बाद क्या कर लिया शुरू कर लिया बाय 1905 1905 के दौरान ही वॉज अ वेल्दी न्यूयॉर्कर Having recently made his fortune with the invention of new photographic paper, while Bakeland had been busily amassing dollars, some advances have been made in the development of plastic. The year 1899 and 1900 had been seen the patenting of the first semi synthetic thermosetting plastic material that could be manufactured on an industrial scale. In purely scientific terms, Bakeland's major contribution to this field is not as is not so much the actual discovery of the material to which he gave his name but, but rather the method by which a reaction between phenol and formaldehyde could be controlled thus making possible its preparation on a commercial scale on july 13 1907 baklin took his famous patent describing this preparation the essential feature of which are still in use today

नोवलाक के नाम से जाना जाता था ठीक है तो अगर हम यहाँ पे ये चेक करते हैं इसको अंडरलाइन कर लेते हैं एक बारी, और यहाँ से हम अपने क्वेश्चंस को भी ध्यान रख सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे क्या है स्टेज वन रेजिन कॉल्ड रेजिन को किस नाम से जाना जाता है रेजिन नोन एज तो फोर्थ क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया बहुत स्मार्ट वे में माई आंसर इज नोवलाक इट्स एन ओ वी ए एल ए के इट्स डियर स्टूडेंट्स उसमें कोई शर्म की बात नहीं है जब भी आप अपने आंसर ट्रांसफर करें प्लीज आप स्पेलिंग्स को एक बार जरूर करें क्योंकि कई बार हमारा जो आंसर होता है वो ठीक होता है लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम गलत स्पेलिंग लिख देते हैं आंसर ठीक होने के बावजूद भी हमारा जो स्कोर है वो गलत हो जाता है उस पर इम्पैक्ट पड़ जाता है क्योंकि हमने स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी तो कभी भी आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है प्लीज डोंट फील शायद यू कैन प्रोनाउंस द स्पेलिंग्स ओके

रीडिंग को सॉल्व करना है सो माई आंसर इज कंटिन्यू करते हैं आगे विच इंक्रीजेस बिटवीन टू केमिकल्स विदाउट ज्वाइनिंग टू हेक्सा अ कंपाउंड ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मल डी हाइट विद द एडिशनल फॉर्मल डी हाइटे टू फॉर्म अ थर्मोसेटिंग रेजिन तो अगर मैं यहां से बात करती हूँ क्या है कंपाउंड ऑफ किसका कंपाउंड है अमोनिया एंड फॉर्मल जिसको अप्लाई किया जाता है एडिशनल के लिए नेसेसरी थर्मोसेटिंग बनाने के लिए है ना तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ अमोनिया एंड फोर्मल लिखा हुआ है तो जो मेरा सिक्स क्वेश्चन है वो यहाँ से बहुत इजिली uh, सॉल्व हो गया माई आंसर इज हेक्सा क्योंकि ये क्या है कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पे देर फॉर माई आंसर इज हेक्सा और सिक्स क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन रीड करने का बेनिफिट ये हुआ कि इतने से मेरे कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं

तो अगर मैं यहां से चेक करती हूँ मेरा क्वेश्चन सेवन भी सॉल्व हो गया क्योंकि बेकलाइट पूछा है बेकलाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है इट्स रॉ आ एट आ व्यू रॉ सेवन क्वेश्चन भी मेरा यहीं से सॉल्व हो गया है इन द लास्ट स्टेज लास्ट स्टेज में क्या हुआ है द हीटेड बेकलाइट वॉज पोर्ड इन होलो मोल्ड ऑफ द रिक्वायर्ड शेप एंड सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर एक्सट्रीम हीट तो यहाँ पे एक्सट्रीम हीट के लिए स्टूडेंट्स क्या था इंटेंस हीट के बारे में बात की गई है इंटेंस हीट मींस एक्सट्रीम हीट और क्या चीज है एंड करके सुमाई so, आंसर है प्रेशर एट क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया एट क्वेश्चन का आंसर प्रेशर है इट्स पी आर ई डबल एस यू आर ई प्रेशर तो ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने ध्यान से द डिजाइन ऑफ बेकलाइट ऑब्जेक्ट्स एवरीथिंग फ्रॉम Earing to television sets was governed to a large extent by the technical requirements of the molding process the object could not be designed so that it was locked into the mold and therefore difficult to extract extract means remove karna ki ऐसे डिजाइन नहीं किया जा सकता था कि ये लॉक हो जाए मोड में और इसलिए इसको डिफिकल्ट हो जाए एक्सट्रैक्ट करना ठीक है तो यहाँ पे क्या था रिक्वायरमेंट ऑफ द मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात हो रही है और उसके एस्ट्रक्शन के बारे में बात हो रही है और आगे देख लेते हैं और कॉमन जनरल रूल क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है taper, taper मतलब एक शेप होता है टेपर है ना जैसे हमारे रैम्प की शेप होती है थोड़ा स्लैंड अगर बोलते हैं टेपर होना चाहिए टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मोल की थोड़ा टेढ़ा सा होना चाहिए टेपर होना चाहिए वो किस तरफ डीपेस्ट पार्ट ऑफ द मोल की तरफ होना चाहिए इफ नेसेसरी की जो प्रोडक्ट है वो मोल्ड होता है सेपरेटेज सेपरेट पीसेस में मोल्ड हैड टू बी Carefully designed so that the molten bake light would flow evenly and completely into the mold. Kita ke wo evenly or completely mold make hojai yeah, ho Shape corners proved impractical, were thus avoided and giving rise to the smooth and streamlined style popular in 1930s. The thickness of the walls of the mold was also crucial. Thick wall look thick walls took longer to cool and harder a factor which had to be considered by the designer in considered to make the most efficient.

उसको ऑब्जेक्ट uh, को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो यहां से हम चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अगर मैं बात करती हूँ द फंक्शन वुड फंक्शन के बारे में बात नहीं हुई दिस इज नॉट माई आंसर द इज विच री यस आसानी से कैसे फिल किया जा सकता है बी इज द आंसर क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मोल्डिंग प्रोसेस के बारे में बात हुई कैसे फिल करना है उसको इजीली फिल करना है ना ताकि वो लॉक ना हो जाए उससे डिफिकल्टी ना आए एक्सट्रैक्ट करने की तो बी इज द आंसर ठीक है और क्या चेक करते हैं यहीं से यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इफ नसे दैट द प्रोडक्ट सेपरेट पीसेज अगर नसेसी है उसको सेपरेट पीसेज में ये भी बात की गई थी और शेप के और केयरफुल डिजाइन के बारे में बात हुई थी इवनली फ्लो के बारे में बात हुई थी कंप्लीटली फिल करने के बारे में बात हुई थी तो अगर यहाँ से चेक करती हूं द फैसिलिटी विच वुड द ऑब्जेक्ट कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द Mode, कि जे, वो फैसिलिटी जिसके हिसाब से उसको क्या प्रेशर जा रहा है, तो इसको कर लेंगे. के बारे में अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है यहाँ पे मैनुफेक्चर मोल्ड के बारे में नहीं पढ़ा है फैशनेबल स्टाइल्स ऑफ द पीरियड नहीं था यहाँ पे तो हम यहाँ पे स्टाइल पॉपुलर इन नाइनटीन एक पर्टिकुलर स्टाइल के बारे में पढ़ा फैशनेबल स्टाइल्स कौन से थे उस पर्टिकुलर पीरियड के इस चीज को हम रिलेट नहीं कर सकते तो ये answer नहीं बनेगा प्लीज आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे स्टूडेंट्स ऐसे ही हम remaining questions को अपने कवर करने की कोशिश करेंगे ऑल दो ट्रीटेड विद डेन इन इट्स अर्ली ईयर भले ही बेकलैंड की जो इन्वेंशन थी वो कैसे ट्रीट की गई थी दिस डेन अर्ली एज में वेंट ऑन टू इंजॉय अनपरलिटी अनपॉपुलर पॉपुलैरिटी थी जो लास्टेड सेंचुरी तो अगर यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हुआ था बेकलाइट वॉज इमीडिएटली वेलकम्ड एज अ प्रैक्टिकल एंड वर्साटाइल मटेरियल उसे मतलब इजिल इमीडिएटली वेलकम वेलकम मतलब पॉजिटिवली कंसिडर कर लिया गया था नो no. यहाँ पे तो बात हो रही है कि ट्रीट किया गया था उसे डिस्डेन वे में कब इन इट्स अर्ली तो इंट्रोडिक्शन के बारे में बात हो रही है वेलकम नहीं किया गया था ऑपोजिट ट्रेंड दिखा रहा है है पे हमें सेंटेंस में तो यहां से जो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, वो क्या है ट्रू ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो सॉल्व हो गया है और जो हमारा आंसर आएगा इट्स फॉल्स क्योंकि डिस्डेन है और यहाँ पे क्या कह रहे हैं इमिडिएटली वेलकम ऑपोजिट ट्रेंड है देव फोर uh, जो आंसर जा रहा है हमारा वो फॉल्स रहेगा ट्वेल्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया है आगे कंटिन्यू करते हैं सेम पैराग्राफ को रीड करना इट द वंडर इट द वंडर प्रोडक्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हीट रेजिस्टेंट बींगेलेट किचन गुड्स वर प्रमोटेड एज बीइंग जर्म फ्री एंड स्टेरलाइजेबल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स सीज ऑन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड कंज्यूमर्स एवरीवेयर वेल कंज्यूम एवरी वेस्ट इट्स डेजलिंग आर एफ शेड डेजलिंग आर ऑफ शेड्स शेड्स मतलब कलर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग एरे वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं डेजलिंग वाइब्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे लिमिटेड रेंज ऑफ कलर्स के बारे में बात हो रही है हो रहा है तो हमारा जो आंसर जाएगा जाएगा? वो क्या बन जाएगा? It's false. तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टीन भी सॉल्व हो गया तो रिमेनिंग मुझे रीड करना ही नहीं है बिकॉज यहाँ से मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं यू कैन सी स्टूडेंट्स कि कितने ब्यूटीफुली हमने अपने सारे क्वेश्चन को कितने स्मार्ट वे में हमने कर लिया है. स्टूडेंट्स कभी भी रीडिंग करते टाइम आपको हर एक चीज का वर्ड का मीनिंग हो ये जरूरी नहीं है आपने हर एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन नहीं करना है बस आपने की को ध्यान में रखना आईयूपी मैथ से आपको इतना हिंट मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका पहले सॉल्व हो जाएगा जैसे अगर आप चेक करें फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद अगर मैं देखती हूँ तो मेरा सबसे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है वो इलेवेंथ हुआ देन फोर फाइव सिक्स सेवन हुए है उसके बाद ऑल द यहाँ से मेरे सिक्वेंशियली क्वेश्चन सॉल्व होने लगे हैं लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी आर यू पी मैथड आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आपका कितना स्मार्ट वे में एक ही पैराग्राफ से मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आई होप यू विल डेफिनेटली यूज दिस मैथड जब भी आप रीडिंग करेंगे एंड थैंक यू विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रीडिंग टीज थैंक यू